मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पंजाब के सीएम, पंजाब की सुरक्षा एजेंसी, पंजाब सरकार, कांग्रेस सबकी एक गहन जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा 28 तारीख को मैं यही था, माननीय मोदी जी का कार्यक्रम कानपुर में था, मौसम खराब हो गया और अचानक आनंद फानंद में मोदी जी को कानपुर से बाई रोड लखनऊ जाना पड़ा एयरपोर्ट, और एक मिनट में व्यवस्था कर दी योगी जी ने, योगी जी की सरकार, उनके सुरक्षा कर्मियों ने। हमें भी मिलने की इजाजत नहीं दी और मोदी जी कानपुर से बाई रोड लखनऊ चले गए। लेकिन जिस प्रकार से चन्नी विधवा विलाप कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उन्होंने अनुमति दी थी मोदी जी को चलने की, वो तो रास्ता अवरुद्ध था। भगवान की कृपा, मोदी जी की सुरक्षा एजेंसी के लोगों ने बड़प्पन का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया। कदाचित कोई बात हो जाती तो आज सारा देश धू धू करके जलता होता। मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं, नेता सारे विश्व के हैं, कोई मामूली सी बात नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। अब तरह तरह लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकरण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर आगे कोई हिमाकत न कर सके। ऐसे तो प्रधानमंत्री कहीं 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, देश में कहीं जा ही नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री सबका है, देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है। लोग चुनाव के माध्यम से तो सामना कर नहीं पा रहे, तो ये बदमाशी शुरू कर दी। अब तो परत और भी रेस खुलते चले जा रहे हैं, देखिए आगे होता है क्या।